सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो अब हम निकल रहे हैं मैसूर से और यहाँ पर मंदिर है, बता रहा राजवीर, बता रहा कि वहाँ तक हिचहाइकिंग करना है। तो कम से कम 200 किलोमीटर का हिचहाइकिंग है। हम लिफ्ट ले लेकर और बाकी पैदल चलने वाले हैं। बाकी देखते हैं क्या क्या है एक्सपीरियंस राजवीर के साथ। 200 किलोमीटर का टारगेट बनाया है। बाकी चलिए सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था आपको, रास्ते में हमें एक और ब्लॉगर मिलेंगे, वो है राजवीर भाई। तो थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा। पैसे से इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनके पास 2 मास्टर्स की डिग्री होने के बाद भी इन्होंने उस लाइफ में मजा नहीं आ रहा था, भाई को किक नहीं मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने योर लाइफ चूज की, जैसे मैंने भी वही चीज चूज किया है। और भाई अभी तक ऑल इंडिया टूर में 22 स्टेट घूम चुका है और नेपाल घूम चुका है, मतलब एक फॉरेन स्टेट घूम चुका है। और वो भी मात्र सिर्फ जेब के 11,000 रुपए में मैक्सिमम माइल हिच हाइकिंग करके ही अपनी ट्रेवलिंग किया है। और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई को हिच हाइकिंग का। तो तभी मुझे भी लगा कि नहीं भाई, कुछ सीखना है और मैं हमेशा सीखने के लालच में रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ू, है ना, कि मतलब जिस रास्ते में मैं निकला हूँ कि वैसे लोग मुझे मिले और मिले भी, है ना, और उनका एक्सपीरियंस जो मुझे मिलेगा वो मेरे आने वाले फ्यूचर में काम आएंगे। तो ये हमारा अब पूरा साउथ, अभी तो फिलहाल साउथ का है जो कोलैबोरेशन है हम साथ में करने वाले हैं। बाकी अभी हम जा रहे हैं मैसूर पैलेस, वो भी बाई फुट। 200 किलोमीटर्स का बाई फुट वॉक होगा हमारा। तो दोस्तों, हम मैसूर पैलेस आ चुके हैं। पहले ये लकड़ी का था, तो किसी वेडिंग में किसी ने सिगरेट के एसेस की वजह से पूरा जल गया था, फिर ये रिबिल्ड हुआ था। तो ये है, तो अंदर तो हम लोग कह रहे कि अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन बाहर बाहर से घूम के अब देखते क्या होता है। तो फाइनली गाइस, हम अंदर घुस चुके हैं। मुझे लगा कि जो मेरे पास स्वॉर्ड था, खुकरी था, तो पहले बता दिया, क्योंकि कैंपिंग वगैरह करना पड़ता था हमें, तो स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो मैंने मैम से कहा, मैम ने कहा पहले स्कैन कर लो, उसके बाद अंदर लगेज रूम है तो अंदर रख लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी मैम हेल्पिंग, बाकी हम जा रहे हैं अंदर। तो दोस्तों, अंदर घुस चुके हैं हम। तो ये है कुछ पैलेस का नज़ारा। अंदर हम जा नहीं रहे, वहाँ पर मतलब वेडिंग वगैरह कुछ चीज़ें, तो हम अंदर तो जा नहीं रहे। और अंदर जाने का टिकट 1% का 100 रुपीस है, जो हमारे पास बजट है नहीं, तो हम बाहर ही बाहर से देख कर हम निकल लेंगे। क्योंकि अभी चामुंडेश्वरी टेम्पल भी जाना है, उसके बाद नंदी टेम्पल भी जाना है। हो सकता है भयंकर रात वहीं हो जाए, तो डेरा अपना वहीं पर डालना पड़ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के निकलते हैं। बाकी नज़ारा कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों, जो मैसूर पैलेस है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। 1896 में ये पूरा का पूरा पैलेस लकड़ी का था, और कुछ शादी का फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पर किसी ने सिगरेट के एसेस की वजह से पूरी की पूरी पैलेस जल गई थी। फिर उसके एक साल बाद इस पैलेस का बनना, मतलब जो निर्माण था वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हुआ। 15 साल तक काम चला, 15 साल के बाद तब जाके मार्बल वगैरह मतलब हर एक चीज़ लगी। पहले ये पैलेस पूरा का पूरा लकड़ी का था, और जो ओनर थी वो है रानी परमुना जी, और आई थिंक आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर थे इसके वो थे हेनरी एरिस। तो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट का यहाँ पर मतलब दृश्य आप देख सकते हो उस टाइम का। तो ताजमहल के बाद सेकंड पैलेस मतलब जो हिस्टोरिकल में आता है वो ये पैलेस है। और एक साल में 6 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट इस पैलेस को देखने के लिए आते हैं, 6 मिलियन से ज़्यादा, जो मैटर करता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे वगैरह भी आप देख सकते हो, बहुत सारे हैं स्कूल के बच्चे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, है ना। बाकी अब बस यहाँ का हो गया,
जो दिखाना था, मतलब थोड़ा मुझे बाद में याद आया तब मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अब निकलना हमने तो दोस्तों। हाँ अभी राजगीर वाले ट्रेन निकाले, दिन के 2 बज चुके हैं, चलते चलते अभी तक भूखे है, तो चने निकाले तो चने खा के अब फिर हमें सबसे पहले जाना है नंदी टेम्पल, उसके बाद चामुंडेश्वरी मंदिर। और चामुंडेश्वरी मंदिर में ही हमें कुछ प्रसाद मिलेगा तो हो सकता है आई थिंक रात को भी हमें वहीं रुकना पड़े। बाकी खाते चने। हाईवे में चल रहे हम, अभी 20 किलोमीटर और है, चलते। तो दोस्तों हाँ नंदी हिल्स हम आई थिंक ठीक नीचे हैं, और अभी चलते चलते 20 किलोमीटर के लगभग हो चुका है। अभी यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर और है। तो हम लोगों ने शॉर्टकट पकड़ा, क्योंकि जो गूगल का रास्ता दिखा रहा था वो पूरा हाईवे घुमा के ले जा रहा था, और हमें जाना था शॉर्टकट। तो दिखाता हूँ, थोड़ा जंगल का रास्ता है, तो रास्ता ये इस तरफ से है, इस तरीके का है, आप देख लो। और बाकी यहाँ पर कुछ बन रहा है, बाकी ये 2 बंदे हैं। बाकी चलते अब थोड़ा ऊपर पहुँच के एक जगह स्टॉप रहते हैं, पानी वगैरह पियेंगे, फिर वहाँ से क्योंकि हमें चामुंडेश्वरी देवी भी निकलना है। तो तब तक स्टेडियम। तो दोस्तों नंदी टेम्पल के हम नीचे तो पहुंच गए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें जो ये सीढ़ी दिख रहा है आपको, तो इस सीढ़ी से जाना है हमने। भाई साहब 30 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पर, 30 किलोमीटर बाई फुट, देन अब फिर सीढ़ी चलना है हमने यहाँ से। अब यहाँ पर पता नहीं जूते वगैरह नहीं, जूते वगैरह नहीं उतारने यहाँ से, तो ये सीढ़ी चलना है। हाँ तो चलिए चढ़ते सीढ़ी। हाँ ट्रैकिंग हाँ जल्दी आओ। कम से कम 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हम, लेकिन अभी तक टेम्पल आया नहीं। 20 किलो का लगेज मेरे पास है, कम से कम 20 किलो का मेरे पास है, और भाई के पास भी कम से कम 20 किलो का लगेज है। लेकिन मज़ा आ रहा है, आ रहा ना मज़ा। तो थक गए तो लोग हमें देख रहे थे, भयंकर इतना लगेज दे के चढ़ के सहरा करके ना, और वो भी हमारा लंच नहीं हुआ था, जो दिखाया ना चना बस वही है, और चना खाया था बस चने की वजह से अभी इतना एनर्जी आ रहा है। लेकिन अब मिलते सीधे ऊपर दोस्तों, अब सांस फूलने लगी है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु है इस तरीके का टीका लगा रहे, पूछते अभी और बताना चाहेंगे तो हमें पता नहीं है, येलो एंड रेड कलर का टीका लग रहा है पूरी सीढ़ियों में आप देख सकते हो। तो इसका महत्व क्या है वो पूछेंगे दोस्तों। जहाँ 2 सिस्टर है वो रेडी हो चुके हैं बताने के लिए कि ये इस तरीके से लगाते हुए आ रहे हैं। ओके तो जैसे पूरा जा अच्छा। हाँ आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी और ओके इंग्लिश, सो यू आर पुटिंग येलो एंड रेड टीका, so what is the importance of this? Like if we pray something, if it happens, okay, then after it happens we'll put okay it. If your wish got fulfilled then yeah okay, means in Hindi
दैट्स कॉल्ड मन्नत राइट. तो सर इनका कुछ मन्नत पूरा हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच. तो ये लोग यहाँ से टीका लगा रहे कि मतलब यहाँ पर और कोई आता है श्रद्धालु तो यहाँ पर विश मांगते हैं, अगर पूरा हो जाता है तो ये इस तरीके से नीचे से ऊपर मंदिर तक टीका लगाएंगे. बाकी हमारे भाई जी आ रहे, मेरी भी सांस फूल चुका है, अभिजीत भी स्वेट कर रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है. दोस्तों ये सीढ़ियाँ देख रहे हो ना, हज़ार सीढ़ियाँ हैं. और यहाँ पर अभी हमने सिस्टर लोगों से पूछा कि यहाँ से और कितनी सीढ़ियाँ हैं, मतलब जितना चढ़ के आए थे उतनी ही और ऊपर चढ़ना है हमने. 500 भाई साहब 500 सीढ़ियाँ और है, मतलब 500 सीढ़ियाँ हमने कंप्लीट कर लिया है. पीछे वाला साला वो तो और पीछे वाला तो आ ही नहीं रहा है, पता ना कहाँ है. फाइनली नंदी जी का जो सबसे बड़ा स्टैचू था वो हमने रीच कर लिया है, लेकिन जो मेन मंदिर है वो अभी और 500 स्टेप चढ़ने हमें. तो ये है नंदी जी का. तो ये है नंदी जी का स्टेप. तो कितना बड़ा, बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा नंदी जी का स्टैचू है, तो देख सकते हैं आप. कैसा लग रहा भाई? तो दोस्तों आधा रास्ता, मतलब आधे से थोड़ा रास्ता तय हो चुका है हमारा. तो यहाँ मतलब हिल के हाफ टॉप तक पहुँच चुके हैं. तो यहाँ से व्यू देखो आप, बस लुक द व्यू मैम. हार्ड वर्क पे ऑफ. सो तो बहुत ही पथरीला रास्ता है और एक बार स्लिप हो गया तो सीधे नीचे. तो गाइस ऊपर चढ़ते चढ़ते तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें एक पथरीला जगह मिला और एक सीनरी पॉइंट है. तो यहाँ पर हमें भाई लोग मिले, काफी अच्छा मोमेंट एंजॉय किया. बाकी तरुण भाई का जो एक्सप्रेशन वगैरह था भाई, तरुण भाई ने सबका दिन बना दिया. तरुण भाई की फोटो ऐड करी जाएगी, वो डाल दूंगा, वो डाल दूंगा है ना, फोटो वगैरह डाल दूंगा सबके, मतलब वो लास्ट में मैं डाल दूंगा. बाकी अभी बहुत दूर, बहुत लंबा सफर है दोस्त, बने रहो. हम ऊपर हिल टॉप पहुंच चुके हैं. ये मेरे पीछे नंदी मंदिर का नज़ारा, माँ दुर्गा का. और अभी बताऊंगा इस मंदिर की खासियत. तो थोड़ा रेस्ट कर लो, वो दोनों भी आ रहे दोस्तों. जो मेरे पीछे अभी मैंने बताया माँ दुर्गा का मंदिर है और ये जगह माँ चामुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है और माँ दुर्गा का एक अवतार भी है. और इन्होंने जो माँ दुर्गा का जो ये अवतार है, इन्होंने महिषासुर का अंत यहीं पर इसी जगह पर किया था. तो फाइनली मुझे पता नहीं था ये जगह के बारे में, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया तो पता चला कि ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है करके. बाकी अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझ रहा हूँ कि माँ दुर्गा ने मुझे यहाँ तक भी बुला लिया. बाकी आप लोग भी मेरे द्वारे माँ का दर्शन कर लो. और यहाँ का मार्केट कुछ इस तरीके का है. तो दोस्तों यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं शेड में. तो ये है शेड. तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुका है. चल 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 अंदर, चल अंदर चल अंदर चल. तो दोस्तों अभी मंदिर क्लोज हो रखा है, 7:30 बजे खुलेगा. तो अभी देख सकते हो मेरे पीछे बैकग्राउंड में मंदिर का नजारा. तो अभी देखते हैं अंदर फोन अलाउ है या नहीं है. अगर अलाउ हुआ तो मैं अंदर अच्छी तरीके से कवर करके आपको भी दिखा दूंगा. बाकी
हाँ यहाँ पर होने के बाद अभी हमने जाना है क्योंकि पूरा जंगली जंगल है, कैंप लगाना है, फिर उसके बाद लकड़ी ढूंढना है, पता नहीं खाना बनेगा नहीं बनेगा ये भी नहीं पता नहीं है, तो फिर भी कोशिश करेंगे। तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों अंदर तो वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था, तो अभी हमने जाना टेंट वगैरह देखना है। हमने खाना बनाने का सामान तो लिया है, लेकिन बारिश की वजह से लकड़ियाँ सारी सारी गिली हो गई होगी जंगलों में भी, और इतनी रात को हम लकड़ियाँ ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि जानवरों को ज़्यादा खतरा रहता है और वहाँ पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो सुबह ही कुछ खुद ही बनाने की सोचेंगे, अभी तो फिलहाल बाहर कुछ खाने का देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और वहाँ मंदिर पे वीडियो वगैरह मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि वीडियो वगैरह हो नहीं पाया था, और थोड़ा खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद हमें सोने के लिए जगह नहीं मिली, तो ये यहाँ पर एक पार्किंग दिखा था हमें, तो हमने यहीं पार्किंग पर ही अपना टेंट लगाया, तो यहीं पर ही सो गए हम लोग। बाकी थोड़ा टेंट वगैरह पैक करते उसके बाद मिलते हैं आपसे। होप दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा जो हमारा मैसूर से सीधे चामुंडेश्वरी मंदिर तक का ब्लॉग था, है ना। बाकी रात को पार्किंग में गुजारना पड़ा हम लोगों को, फिर अब पार्किंग के बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मिस्टर गो की फैमिली में आप भी शामिल हो जाए। बाकी प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा में, सब जगह अगर आपको पसंद आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।